अरे दोस्तों, किरिंगटन ओवल लंदन के पिच रिपोर्ट की हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पिच बिहेव कर सकता है। और द 100 में यहाँ पे बहुत सारे मैचेज होने वाले हैं, क्योंकि वुमेन्स के मैचेज भी होंगे, मेंस के मैचेज भी होंगे। तो हम लोग एक एक करके जो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, चाहे आप ड्रीम इलेवन खेलते हो या फिर जो है आप विनर सेशन किसी तरह का जो है चीज़ें खेलते हो, तो कैसा बेनिफिट जो है वो रह सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये पिच जो है वो कैसा बिहेव करने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि पिच जो है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बैटिंग के लिहाज से, तो ये जो है ना सरफेस बहुत ही अच्छा जो है वो रहने वाला है। जनरली अगर देखा जाता है इस पिच पे, तो बैट्समैन के लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है, खासकर जो इनिशियल ओवर होता है किसी भी इनिंग का, वो काफ़ी जो है बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अर्ली चैलेंजर जो है बैट्समैन के लिए आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी नया बॉलर के साथ रहेगा, क्योंकि जो नया बॉल होता है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है आप कहोगे तो यहाँ पे पेस वालों के लिए, जो भी पेस से बॉलिंग करता है और पूरा लाइन लेंथ के साथ करता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा स्विंग जो है वो ज़रूर होता है इस ग्राउंड पे। और अधिकतर मैचेस में जो है आपने इंग्लैंड के देखा होगा कि यहाँ पे स्विमिंग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है चलते रहता है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन रहता है, तो आप देखोगे कि एक बढ़िया सा जो है वो आपको बॉलर इफेक्ट होते हुए जो है नज़र आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनिशियल ओवर दो एक दो ओवर जो है वो संभाल गया, तो बहुत अच्छे से जो है आपको रन बनते हुए नज़र आता है। और हमने बहुत सारे मैचेज में ऐसा भी देखा होगा कि इंग्लैंड के स्टार्टिंग के जो दो चार पाँच ओवर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रन बनता है। और उसका यही रीज़न था कि अगर स्विंग नहीं हुआ तो बॉल सीधा बल्ले पे आता है, जिससे रन जो है बहुत ज़्यादा बनता है। तो बैट्समैन के लिए बहुत बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी रहता है। और द 100 में आप ऐसा लेके चल सकते हो कि 170 180 एक अच्छा सा जो है टारगेट आपको यहाँ पे रहेगा। लेकिन कभी कभी हमने यह भी देखा है कि चाहे यहाँ पे 170 180 जो एक अच्छा टारगेट रहे, लेकिन 200 के आसपास जो है रन बनता है, और कभी कभी चेस भी जो है होते हुए नज़र आता है इतना रन। तो इस तरीके का जो है पिच है, जो कि आपको जो है समझ जाना चाहिए। अब ये तो हुआ बैट्समैन के लिहाज से। अगर हम लोग बॉलर के हिसाब से देखते हैं ना, तो बॉलर में आप देखोगे तो पिच जो है ना वो स्लाइटली जो है वो आपको असिस्टेंट ऑफर करते हुए नज़र आता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ये पिच जो है ना शुरुआत में ग्रीनिश रहता है। ग्रीनिश का मतलब है कि जो है घास फूस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पे देखोगे तो बॉलर जो पेस बॉलर्स होते हैं उनके लिए आइडियल रहता है, क्योंकि बॉल जो है घास पर पड़ने के बाद एकदम स्लाइड करता है या फिर स्विंग करता है। और जब स्लाइड करता है तो बॉल गिरने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ जो है वो बल्ले पे आ रहा है, जिसके चलते एज लगने के कारण विकेट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर स्विंग करता है शुरुआत में, मौसम थोड़ा सा जो है नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो स्विंग करेगा, और जब स्विंग करेगा तो शुरुआत में विकेट जाने के चांसेस जो है बनता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अधिकतर केसेस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो बॉलिंग है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो नहीं होता, बैट्समैन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इम्पैक्ट होते हुए जो है नज़र आते हैं। स्पिनर्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो स्पिनर जो है इतना उतना क्रूशियल जो है आपको इंग्लैंड में नहीं देखने को मिलता है, और ना ही एक जैसे एशिया में भूमिका निभा सकता स्पिनर, उस तरीके से जो है इंग्लैंड में आपको नहीं नज़र आएगा। अब टॉस की बात करते हैं, तो अधिकतर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तो इस सीज़न में जुलाई में जो है थोड़ा सा रेनिंग सीज़न रहता है वहाँ पे भी, तो रेनिंग सीजन के कारण जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैचेस ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो जिसके चलते ये देखा जाता है कि टॉस जीतने के बाद बहुत सारी टीमें जो है पहले बॉलिंग करती है और अच्छे खासे मार्जिन से जो है उसे चेस भी कर लेती है। अब बात करते हैं कि T20 का स्टेट्स यहाँ पे क्या कहता है। तो देखो 73 मैचेज में से जो है यहाँ पे ये डोमेस्टिक के T20 मैचेज हैं, 31 मैचेज जो है फर्स्ट पर जीता है, 40 मैचेज जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सेकंड पर जीता है, दो मैचेज टाई हुआ है। फर्स्ट पर एवरेज देखोगे तो 165 के आसपास जो है आपको नजर आएगा, और 165 रन किसी भी पिच पे एवरेज होना एक काफ़ी अच्छा खासा रन है। और ये दर्शाता है कि जो स्कोरिंग एरिया है वो आपको एबव वाले लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जो कि आपको स्कोरिंग पैटर्न में भी जो नज़र आ जाएगा। तो आप देखोगे 150 से नीचे 2500 स्कोर है, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। आप कह सकते हो कि हाँ 73 मैचेज यहाँ पे हैं, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपको 33% मैचेज जो है आपको 150 से नीचे है, और सेम 190 से ऊपर देखोगे तो आपको जो है 21 मैचेज जो है दिखाई देगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो है ना 30% के आसपास जो है मैचेज आपको 190 से ऊपर रन जो है भागता है, यानी कि अगर तीन मैचेज होते हैं तो उसमें हाईली चांसेस रहता है कि एक मैचेज में 150 से कम रन बन सकता है, एक मैचेज में 190 के आसपास रन बनेगा, और बाकी ये दोनों एरिया याद देखोगे ना आपको 150 से 190 के बीच में, तो इसमें भी जो आप देखोगे तो 27 जो है मैचेज है। तो आप कह सकते हो कि जो तीन मैचेज अगर यहाँ पे होते हैं, तो एक आप कह सकते हो 150 से नीचे रह जाता है, एक आप कहोगे तो 150 से 190 के बीच में रहेगा, और दूसरा 190 से ऊपर यानी कि 200 के आसपास जो है जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ स्कोरिंग पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो लास्ट चार मैचेज हुआ है किरिंगटन ओवल लंदन में वो किस तरीके के रहा है। तो ये द 100 के मैचेज हैं, क्योंकि ये पिच रिपोर्ट जो है मेनली द 100 के लिए जो है बना रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो आप देखोगे लास्ट के जो चार मैचेज है वो चारों पिछले साल अगस्त में हुए, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले 100 के जो है मैचेज हुए हैं। जहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट इनिंग में 191 बना, 148 बना, 189 बना, और देखोगे तो 186 बना। तो अगर हम शुरुआत के तीन मैचेस की जो है बात कर लेते हैं, तो तीन मैचेस का आंकड़ा जो हमने जैसे भी देखा था
एक मैचेज 190 से ऊपर जाता है, एक मैचेज 150 के नीचे रहता है, और एक मैचेज 190 से 180 के बीच में, 150 से 190 के बीच में जो रहता है, और सेम ही कंडीशन जो है आपको तीन मैचेज में फॉलो होते हुए नजर आएगा। अगला तीन काउंट करोगे तो आपको इसी तरीके का जो है नज़र आएगा, यानी कि अगर तीन मैचेज यहाँ पे होता है तो अगर दो मैचेज जो है हो जाता है, जैसे किसी में 150 से नीचे है, 190 से ऊपर है, तो आप अगले मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 190 से के अंदर ही जो है वो स्कोर जा सकता है, क्योंकि ये पिच पे इसी तरीके का जो है मैचेज चलते हुए नज़र आता है। तो ये जो हो गया, यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स हो गया, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का मैचेज हो सकता है, कब हो सकता है, और कैसा जो है ग्राउंड रहने वाला है। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आपको उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे जो है आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कॉल पर सर्च करके कुछ ऐसा जो है नज़र आएगा। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं आप चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।